जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ हो। कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट इस समय चर्चा का कारण है। वहां से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत कांग्रेस पर लगातार हमले बोल रही है। बीते दिन कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मनाली में थी और मनाली से कंगना रनौत ने ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह पर भी हमला बोला। उन्होंने विक्रमादित्य और राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित किया और जमकर उस पर तंज कसे। अब विक्रमादित्य सिंह की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना रनौत ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के पप्पू वाले बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपदा के समय में, चाहे आपका आलू ग्राउंड है वहां पे उपस्थित रहे, पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है 48 घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर ग्राउंड जीरो पे जाके उसको रिस्टोर करवाया। लेफ्ट बैंक जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था वहां पर जाकर हमने उसको रिस्टोर करने का कार्य किया। हम दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी को हम हिमाचल में लेकर आए, मनाली लेकर आए, और मनाली में उनको हमने जो है ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत करवाया, मुख्यमंत्री जी ने उनको अवगत करवाया। इसलिए अगर आप इन तथ्यों के ऊपर बात करें तो अच्छा होगा। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कंगना के लगातार कांग्रेस पर हमले भी जारी है और कांग्रेस का भी पलटवार लगातार जारी है। अब लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है और ये आरोप प्रत्यारोप कितने सही साबित होते हैं, क्या कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से जीतती है या कांग्रेस ऐसा उम्मीदवार जनता के सामने रखती है जो कंगना को चुनौती दे सके, ये देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।